हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई 107 पढ़ने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज की इस वीडियो से हम करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट लेसन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एमएचआई 107 के बुक के बारे में बात करें तो इस बुक के अंदर में आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। सेकेंड पार्ट रहेगा इस बुक का ये। फर्स्ट पार्ट हमने एमएचआई 105 के अंदर में कवर करेंगे। अब इस सेकंड पार्ट के अंदर में हमारा जो टाइम पीरियड रहेगा, जिसके अंदर में आप 1700 से लेकर सन 2000 तक का जो पूरा टाइम पीरियड है उसको कवर करोगे। इस दौरान में कौन कौन सी घटना घटी, उसका इम्पैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास पर किस तरीके से पड़ रहा था, ठीक है, भारत को आज़ादी कैसे मिली, गुलामी का दौर किस प्रकार का रहा, उन दौर के बीच में व्यापारिक संघर्ष किस प्रकार के रहे, कृषि संघर्ष किस प्रकार के रहे, कर व्यवस्था किस प्रकार का रहा, जो भी टॉपिक आएगा उसको आप डिटेल में कवर करने वाले हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिटेल जो है एमएचआई 107 बना कैसे उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो, जो आपका एमएचआई 107 है ये न्यू सिलेबस की बुक है, ठीक है, ये न्यू सिलेबस की बुक है। इससे पहले जो आप पढ़ते थे, जो एनुअल मोड के अंदर में जो भी स्टूडेंट थे एमए हिस्ट्री के एनुअल मोड के अंदर में जिन्होंने स्टडी किया, तो उनको याद होगा एमएचआई 05 करके एक बुक थी आपकी, ठीक है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास आपको पढ़ने के लिए मिलता था। वो बुक की खास बात क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा लेंथी थी, सेम टॉपिक्स थे बट वो बहुत ज़्यादा लेंथी था, जिसके अंदर में आप आरंभिक काल से लेकर सन 2000 तक का जो पूरा टाइम पीरियड है ना उसको आप कवर करते थे। किस तरह से हिस्ट्री के अंदर में कौन कौन से टॉपिक का क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर में, उसके बारे में आपको उस पूरे बुक के अंदर में पढ़ने के लिए मिलता था। इसी बुक को अब यहाँ पे दो पार्ट में बांट दिया गया, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट एमएचआई 105 बन जाता है, जिसको आप किसी और प्लेलिस्ट के अंदर में आप देख पाओगे और पढ़ पाओगे। अभी उसकी शुरुआत हमने की नहीं है, उसको भी शुरुआत जल्दी हम करेंगे। 105 के अंदर में हम बात करते हैं आरंभिक काल से लेकर सन 1700 तक का पूरा जो टाइम पीरियड उसको हम कवर करेंगे, और जो आपका सेकंड पार्ट बनता है 107 का, जिसको आज इस वीडियो के अंदर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लेसन से, जहां पर आप 1700 से लेकर सन 2000 तक के जो टाइम पीरियड है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते अपने फर्स्ट लेसन की ओर। आपका जो फर्स्ट लेसन रहेगा जहां पर हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी। देखो, सन 1700 को ही हम 18वीं शताब्दी के तौर पे यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो 18वीं शताब्दी का क्या इंपॉर्टेंस रहा है भारतीय इतिहास के अंदर में, क्या रोल रहा है, किस तरीके से उसका इंपैक्ट हम भारतीय इतिहास के अंदर में देखते हैं, अर्थव्यवस्था के इंपैक्ट किस तरफ से देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। तो सबसे पहले बात करें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में, जिससे आपका पूरा इमेज क्लियर हो बुक के बारे में, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, इसके बाद हमारा एक सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसके बाद ये पूरा जो चैप्टर है वो कवर होगा। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला आता है कि भारतीय इतिहास में जो 18वीं शताब्दी है उसको आधुनिक काल के तौर पे माना जाता है। आधुनिक काल का जो शुरुआत है ना, मॉडर्न एरा का, यहीं से हम देख के चलते हैं कि यहाँ से मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई। इसका रीज़न क्या रहता है कि आधुनिक तौर पर, तकनीकी तौर पर यहाँ पे हम विकास करना शुरू करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। एक तरह से आप अलग अलग नज़रिए की बात कर सकते हो। अगर आप भारतीय राष्ट्रवादी नज़रिए से देखोगे तो यहाँ पर पतन देखने के लिए मिलता है हमारा, जो सांस्कृतिक पतन है, ठीक है, धीरे धीरे करके तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक पतन हो गया आपका, सांस्कारिक पतन के और देखने के लिए मिलता है। पर वहीं पर उपनिवेशिक अगर दृष्टिकोण से देखोगे तो वहां पे माना जाता है कि आधुनिक काल की शुरुआत है, एक तरक्की का युग जो आप यहां पे बोल सकते हो उसकी शुरुआत यहां पे मानी जाती है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग चीजें यहां पे आपको देखने के लिए मिलती है। अब यहां पे आधुनिक काल की शुरुआत किस प्रकार से माना जाता है, तो सबसे पहले आप देखोगे तो मुगल सत्ता का यहां पे अंत हो जाता है। मुगल सत्ता एक लंबा दौर रहा मुगलों का, ठीक है, लंबा इतिहास रहा, उसका यहां पे अंत देखने के लिए मिलता है। मुगल सत्ता का पतन हो जाता है। मुगल सत्ता के पतन के साथ साथ में ही जो छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियां थी, ठीक है, जैसे मराठे हो गए, राजपूत हो गए, और भी जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल थे जो मुगलों के कारण से दबे हुए थे, वो धीरे धीरे करके उभरना शुरू करते हैं और अपने आप को स्वतंत्र शासक के तौर पर स्थापित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो स्वतंत्र राज्यों का उदय, ठीक है, धीरे धीरे जो गुलामी के दौर में भाई एक्सेप्ट करके जी रहे थे कि भैया हम तो मुगल के अंदर हैं, हम मुगलों के अधीन हैं, मुगलों की बात सुन रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या किया अपने आप को वहाँ पे स्वतंत्र राज्यों के तौर पर यहाँ पे अपने आप को उदय करना शुरू कर दिए, ठीक है, स्वतंत्र राज्यों के तौर पर यहाँ पे उदय देखने के लिए मिल जाता है। मराठाओं का विस्तार, जो मराठा क्षेत्र था पूरा मराठाओं का, उसका विस्तार आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ आंतरिक कलह, आपस में किस तरह से ये जो छोटी छोटी शक्तियाँ उभर रही थी उनका आपस में किस तरह से लड़ाई झगड़े चलना स्टार्ट होते हैं, आंतरिक कलह किस तरह से शुरुआत होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और ये आंतरिक कलह एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है उपनिवेशिक सत्ता की शुरुआत का, उपनिवेशिक काल की शुरुआत का और भारत के गुलामी का।
यहाँ पर अगला अगर आप देखोगे टॉपिक अफगान का आक्रमण। अब देखो मुगल सत्ता के अंत के साथ साथ में ही जैसे जैसे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, आप मान के चलो मैं यहाँ पे मुगल सत्ता को बढ़ाई नहीं कर रहा, बट एक चीज़ ही आप देख के चलो, जब आप एक छत्रछाया के नीचे रहते हो तो आप ज़्यादा सिक्योर रहोगे, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाओगे ना तो आपके ऊपर हमला करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और छोटे छोटे टुकड़े अगर इकट्ठे हैं, ठीक है, एक है, तब तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, आपसे नहीं जीत सकता कोई। बट अगर वो सारे अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए ना, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अलग हैं, ठीक है, आपस में मनमुटाव है, कलह है, तो वो उन पे आक्रमण करना, उन पे विजय पाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे इसी का फायदा उठाकर अफगान आक्रमण और विदेशी आक्रमण की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। विदेशी आक्रमण के अंदर में जितने भी यूरोपीय कंपनियाँ आई, चाहे आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करो, फ्रांसीसी कंपनी की बात करो, ठीक है, पुर्तगालियों की बात करो, सभी का यहाँ पे हम बात करते हैं। स्थानीय सरदारों और जमींदारों की जो मूर्खता थी, मुखरता, ठीक है, जो स्थानीय सरदार हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से अपनी भूमि और उसको लेकर आगे रवैया अपनाते हैं, उसके कारण से भी ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अर्थव्यवस्था का कारण साम्राज्य पतन, ठीक है, जो राजनीतिक अव्यवस्था, सॉरी राजनीतिक अव्यवस्था उस समय पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया ना भारत के अंदर में, कि किस तरह से उथल पुथल पूरे भारत के अंदर में पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर अव्यवस्था फैली हुई थी, उसके कारण से यहाँ पे साम्राज्यों का पतन देखा गया, कई सारे साम्राज्यों का पतन हुआ, ठीक है, एक ये रीज़न बनकर आता है। और यहीं से आप 18वीं शताब्दी का पूरा देखते हो, इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ता है भारत के ऊपर, तो राजकोषीय गिरावट आती है, भारत की जो अर्थव्यवस्था उसके अंदर में गिरावट देखने के लिए मिलती है। अंग्रेजों की पूर्वी भारतीय भारत में मजबूत उपस्थिति बनना शुरू हो जाती है, जो अंग्रेज आए अब उनकी स्थिति धीरे धीरे यहाँ पे मजबूत होने लगती है, क्योंकि भारत के जो आंतरिक कलह था उसके कारण से उनकी स्थिति, मतलब वो एक पकड़ बनती चली जाती है उनके कारण से। उपनिवेशिक प्रभुत्व यहाँ पे स्थापित हो जाता है, जो आपका उपनिवेशिक शक्तियाँ थी, ठीक है, चाहे आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करो, पुर्तगालियों की बात करो, और जो दूसरे यूरोपीय कंपनियाँ आई थी, वो यहाँ पे अपना उपनिवेशिक प्रभुत्व स्थापित कर देती हैं। राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय भी यहाँ पे साथ साथ देखा जाता है। राष्ट्रवादी विचारधारा ऐसा नहीं था कि जस्ट ये अभी तुरंत बस पैदा ही हुआ था, ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले से भी था, पर यहाँ पे एक प्रबल तौर पर दावेदारी पेश की जाती है राष्ट्रवादी विचारधारा की, जहाँ पर एक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्रवादी विचारधारा के अंदर में किस तरह से उसका विरोध किया गया इन सब चीज़ों का, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय भी यहाँ पे आ जाता है। साथ ही साथ ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन से आज़ादी के लिए संघर्ष यहाँ पे शुरू हो जाता है। आप आगे की हम बात करें यहाँ पे चैप्टर से आगे बढ़कर, ठीक है, 1947 में जो हमारा आज़ादी मिलता है तो किस तरीके से उसका संघर्ष रहा, ऐसा नहीं था कि 1947 में भैया 15 अगस्त आया, 14 अगस्त को रात में बस डिफाइन हुआ, बात हुआ, प्लान किया और 15 अगस्त को मना ली, थोड़ी ना कि आप चले गए प्लान करके एक दिन में, ठीक है। तो किस तरीके से संघर्ष रहा, पूरा एक दौर किस तरह से आज़ादी के लिए गया, ठीक है, तो वहाँ पे उपनिवेशिक सत्ता से शासन के लिए किस तरह से आज़ादी का संघर्ष रहा, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। आधुनिक राष्ट्र के अंदर में भारत राष्ट्र का गठन किस प्रकार से हुआ, 1947 के अंदर में भारत का गठन किस प्रकार से हुआ, आधुनिक राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ, वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक जो पूरा समरी है ना, पूरे बुक की भी समरी आपको मिल जाती है, पूरे चैप्टर की भी समरी मिलती है, और 18वीं शताब्दी के अंदर में कौन कौन सी घटना किस प्रकार से घटी और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर में क्या चीज़ें थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। लॉन्ग टर्म के अंदर में ये पॉइंट्स आ जाती हैं, जहाँ पे भारत की जो मतलब अंग्रेजों की स्थिति है वो मजबूत होती चली जाती है, उपनिवेशिक सत्ता का स्थापना होता है, राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय होता है, और ब्रिटिश जो उपनिवेशिक सत्ता था उसके लिए संघर्ष यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और आधुनिक राष्ट्र का, जो भारतीय का स्वतंत्र राष्ट्र का गठन का शुरुआत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म के अंदर में इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे 18वीं शताब्दी के बाद के, ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सभी व्यूवर्स से मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आया उपनिवेशिक, तो उपनिवेशिक जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है उपनिवेशिक का मतलब क्या है, आप अपनी लैंग्वेज में विदाउट यूजिंग एनी गूगल, अगर आपको नॉलेज है, आपको याद है, एम ए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक साम्राज्यवाद, एक उपनिवेशवाद, ठीक है। तो दोनों वर्ड को आप डिफाइन करो, दोनों के बीच में अंतर क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, ठीक है, उपनिवेशिक सेमी वर्ड उपनिवेशवाद का, तो उपनिवेशवाद क्या है और साम्राज्यवाद क्या है, दोनों को डिफाइन करके मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो पूछे जाते हैं अक्सर लेसन्स के अंदर में, वीडियोस के अंदर में, उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको आगे पढ़ने के लिए मिलने वाला है,
तो अगर आपको पता रहेगा टॉपिक के ऊपर, आप बोल पाओगे इजीली, समझ पाओगे और इजीली एक माइंड बना पाओगे कि अच्छा आपको ये आगे पढ़ना है, तो इसके हिसाब से आप पहले से ही सोच पाओगे। तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे मैं एक नॉर्मल इमेज यूज़ कर रहा हूँ गूगल से लेकर, जहाँ पे किस तरीके से पूरा दौर रहा होगा, अंग्रेजी कंपनियाँ किस प्रकार से थी, किस तरह से युद्ध चलता होगा, ठीक है, कि इसको दिखाने की कोशिश इस इमेज के अंदर में की गई है। अब देखो 18वीं शताब्दी के प्रमुख अगर बिंदु के हम बात करें कि प्रमुख बिंदुओं कौन कौन से हैं, कौन कौन से बिंदु रही प्रमुख, तो यहाँ पे कुछ इतिहासकार भारत में ब्रिटिश काल की शुरुआत को, जो ब्रिटिश काल का जो वर्ष कब शुरुआत हुआ उसको लेकर बहुत सारा मतभेद है कई सारे इतिहासकारों के बीच में। कुछ मानते हैं कि 1740 के अंदर में ब्रिटिश काल की शुरुआत होती है भारत के अंदर में, 1740 के अंदर में हुआ गया, तो भारत की जो सर्वोच्चता के लिए जो एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष हुआ, आपस में जो युद्ध हुआ ना, एंग्लो फ्रांसीसी वॉर जिसे हम कहते हैं, उस संघर्ष के बाद माना जाता है कि 1740 के अंदर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश शासन था, उसका शुरुआत भारत के अंदर में हो जाता है। भारत का गुलामी का दौर 1740 कुछ इतिहासकार मानते हैं। वहीं पर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 1754 वर्ष 1754 के अंदर में जब बंगाल के नवाब को पलासी में परास्त किया गया, जो पलासी का युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पलासी के ऊपर कभी एक सेपरेट वीडियो बंगाल के नवाब के ऊपर आए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो, उसके भी वीडियो मैं लेकर आ जाऊंगा जिसमें हम डिटेल में नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में आम भाषा में हम बात करेंगे पलासी के युद्ध के बारे में। तो कुछ इतिहासकार यहाँ पे ये मानते हैं कि 1754 में जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पलासी के अंदर में परास्त किया, जिसको हम पलासी के युद्ध के तौर पर जानते हैं, वहाँ से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाती है। पर वहीं पर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 1761 के अंदर में जब पानीपत का तीसरा युद्ध के अंदर में अहमद शाह जो अब्दाली था, उसने मराठाओं को परास्त कर दिया और यहाँ से अंग्रेजी शासन की सत्ता का राह जो था आसान बन जाता है, जो मराठाओं की हार के साथ में, ठीक है, तो ये एक रीज़न यहाँ पे देखा जाता है 1761 करके इसको मानते हैं। अब ये तीन अलग अलग डेट आते हैं, कुछ 1740 को कंसिडर करते हैं, कुछ 1754 को, कुछ 1761 को, ठीक है, तो अपने हिसाब से जो आपका सूटेबल है उसको लेकर चल सकते हैं। पर अगर आप देखोगे ना नॉर्मली, तो ज़्यादातर जगहों पे आपको मिलेगा 1754 का, जहाँ पे बंगाल के अंदर में जो बंगाल के नवाब थे, जैसे ही उनको हराया जाता है, तो उसके बाद जो बंगाल का शासन था ना, बागडोर था, धीरे धीरे मतलब एक थोड़ा सा वहाँ पे अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, किसी शर्तों के साथ में, और वहीं से ये शुरुआत देखी जाती है। ज़्यादातर जगहों पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, बट यहाँ पे अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग इनकी कॉन्सेप्ट है, तो तीनों डेट्स को मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1680 के दशक में मुगल विघटन के साथ विघटन शुरुआत हुई, और 1820 के दशक में इसकी विस्तार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी विस्तार हो जाती है, जिसमें प्रमुख राजनीतिक पुनर्गठन के तौर पे यहाँ पे विस्तार आपको देखने के लिए मिलता है। 1820 आते आते पूरी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत के अंदर में विस्तृत हो चुकी थी, पूरा विस्तार कर चुकी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत पर यहाँ पे दबदबा स्थापित हो चुका था। 18वीं शताब्दी संबंधित अगर आप विवादों के बारे में बात करूं कि क्या वाद विवाद रहा है, क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहे किस तरह के, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि 18वीं शताब्दी के पहले हिस्से में मुगल साम्राज्य का पतन आपको देखने के लिए मिलता है। विघटन को लेकर कुछ इतिहासकार का मानना है कि इसमें सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक का पतन हुआ। अब देखो यहाँ पे ना मतलब इतिहासकारों को लेकर चलोगे ना, तो जैसे मान लो अभी मैं करंट एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई यहाँ पे किसी पार्टी का समर्थक है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, फॉर एग्जांपल आप समझिएगा इसको, बीजेपी, जैसे हमारा इलेक्शन हुआ अभी लोकसभा का, तो लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी का टारगेट था कि वो 400 सीट प्लस अचीव करेगी, जो अचीव नहीं कर पाई, ठीक है, 240 पे सिमट गई, ठीक है, और जितना नंबर चाहिए था उससे कम है, बट गठबंधन दल में है तो वो जो आंकड़ा है बहुमत का वो क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो मतलब एक तरह से सीट ठीक है, जीत गई, सत्ता पे है, सीट पे काबिल है, ठीक है, उस कुर्सी उसके हाथ में है। सेम पार्टी यहाँ पे आपकी कांग्रेस आ जाती है, जो इंडिया गठबंधन के तौर पे लड़ रही थी, अकेले नहीं, इंडिया गठबंधन जिसमें 25-30 पार्टियाँ थी, सबने मिलकर लड़ा, बहुत अच्छा लड़ा, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, 99 सीट आती है, जीतने के लिए जो बहुमत चाहिए था उससे बहुत दूर, बीजेपी से भी बहुत दूर, बट वो अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो उनके विचारक हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो इस तरीके से बता रहे हैं कि हम जीत गए, बीजेपी को हमने हरा दिया, ठीक है, वो हारा तो है क्योंकि उसका जो अपेक्षा थी वो बहुत ज़्यादा थी, हारा तो है बट उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा था, इसके कारण से हो रहा है, बट आप जीते हुए नहीं हो, आप भी हारे हुए हो, ठीक है, बट वो इस तरीके से नैरेटिव को सेट किया जा रहा है। मैं ये नहीं बताना चाहता कौन हार गया, कौन जीत गया, कितने सीट आए, कितना नहीं, वो मैं नहीं बात नहीं करना चाहता, मैं उस नैरेटिव के बारे में बात करना चाहता हूँ जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, कि नैरेटिव किस तरीके से सेट किया जा रहा है कि भैया वो जो जीते हैं ना, वो जीता हुआ नहीं है, वो हारा हुआ है, प्रधानमंत्री तो बेवकूफ़ है, वो तो हार गया, ठीक है, 240 सीट कुछ सीट होता है,
उसने 400 बोला था, 400 क्यों नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से उसको कंसिडर किया जा रहा है, जबकि 99 उसको लग रहा है ज़्यादा है और 240 कम है। तो सेम इसी तरीके से जो इतिहासकार थे, जो मुगलों के बहुत बड़े प्रशंसक माने जाते थे, मतलब इस तरीके से प्रशंसक, अगर कोई कह देना कि तुम्हारे घर में ये चीज़ें हैं, ठीक है, अगर गलत है मुगल, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ बोल दिया जाए ना, तो मुगलों को ही सही मानेंगे। अगर कितना भी प्रूफ के साथ में रखा जाए तो मुगलों को सही माना जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इतिहासकार, नहीं नाम भी आगे मैं लूँगा, आगे देखेंगे डिटेल में बात करेंगे, आपके बुक में अंदर में, बुक के अंदर में बहुत डिटेल में दे रखा है। तो यहाँ पे जो मुगलों के साम्राज्य का पतन अगर आप देखोगे, तो उसको विघटन को लेकर कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि जैसे ही मुगल सत्ता का विघटन हुआ, तो वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पतन के तौर पे देखा जाने लगा कि सामाजिक तौर पे इसका पतन हुआ, आर्थिक तौर पे इसका पतन हुआ, सांस्कृतिक तौर पर इसका पतन हुआ। बट रियलिटी यह है कि मुगल सत्ता के साथ में जो भारतीय इतिहास था, जो भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था थी, उसका ऑलरेडी पतन हो चुका था, ठीक है। चाहे आप औरंगजेब के शासनकाल को देखो या बाकी किसी और मुगल शासक के शासनकाल को देख लो, ठीक है, सबके साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर थी, सामाजिक धरोहर थी, उसका ऑलरेडी पतन हो चुका था। बट यहाँ पे इतिहासकार के द्वारा इस तरीके से बताया जा रहा है कि नहीं नहीं भैया, वो तो सही थे, अंग्रेज आए उसके बाद ये चीज़ें हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है, इन इतिहासकारों ने इस शताब्दी को अंधकार युग के तौर पे देखा, अराजकता और भ्रम की सदी के तौर पे माना। ये जो पूरा टाइम पीरियड है जिसके अंदर में ये सारी घटनाएं घटी, वो किस प्रकार से, मतलब अंधकार युग को डिफाइन करता है, अराजकता के युग को डिफाइन करता है, भ्रम की सदी को कहा जाता है, ये यहाँ पर बताया गया मुगल सत्ता के पतन के साथ साथ में। वहीं पर कुछ संशोधनवादी इतिहासकार हैं, उनका यह मानना था कि ये जो शताब्दी थी निरंतरता की शताब्दी थी, चलने वाली, मतलब इस तरह से आगे बढ़ने वाली शताब्दी थी, ये मानकर चला गया। तो संशोधनवादी इतिहासकारों का थोड़ा यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंदर में अगर आप मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, कई सारे रीजन्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला रीजन अगर आप देखोगे मुगल साम्राज्य का अंत का, पतन का, तो यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया कि भैया अगला राजा कौन बनेगा, कोई काबिल शासक नहीं था। एक ये रीजन सबसे बड़ा बनकर आता है कि जिसके कारण से यहाँ पे जो मुगल सत्ता था उसका अंत हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का अंत का भी एक यही सबसे बड़ा रीजन बनता है, बनेगा या बन सकता है या शायद नहीं भी, बट अभी तक का जो इतिहास रहा है इस इलेक्शन से पहले तक का, वो यही है कि काबिल उत्तराधिकारी ना मिलने के कारण से कांग्रेस जो एक इतने सालों तक राज करी है, 60-65 सालों तक का, उसका अंत के करीब में है, इतनी सीटें पर आके सिमट गई है, ठीक है। तो ये एक रीज़न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पे उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाना, ठीक है, ये एक रीज़न रहा मुगल सत्ता के पतन का। मजबूत केंद्रीय सत्ता के अंदर में कमी आई, जो केंद्रीय जो सेंट्रल फोर्स होता है, जो सेंट्रल जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, जो केंद्रीय पावर होता है, उसके अंदर में कमी आई, क्योंकि यहाँ पे कोई मजबूत उस तरह की स्थिति आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। स्थानीय शासकों द्वारा लगातार विद्रोह, जो छोटे छोटे स्थानीय शासक थे धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते जा रहे थे, अपने आप को अलग घोषित करते जा रहे थे, और क्षेत्रीय विद्रोह बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण से भी मुगल सत्ता का यहाँ पे अंत नज़दीक आ जाता है। औरंगजेब की जो नीति थी वो आज्ञाकारी और अक्षम मुगल बादशाह के अधीन मानी जाती है, मतलब जिसकी जो औरंगजेब की नीति रही उसके बाद, जैसे आप अकबर के टाइम पीरियड को देखोगे तो जो भी शासक भी रहे ना, जो क्षेत्रीय दल भी रहे, वो भी घुल मिलकर मतलब शासन किया उन्होंने, पर यहाँ पे औरंगजेब की नीति के कारण से यहाँ पे आज्ञाकारी एक तरह से आपको देखने के लिए मिलती है पूरी व्यवस्था, जहाँ पे जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद पूरी व्यवस्था इसके खिलाफ उतर जाती है। तो ये एक रीज़न, कुछ बेसिक रीज़न मैं बता सकता हूँ आपको, जहाँ पे मुगल सत्ता का आप अंत देखने के लिए मिल जाता है। हम आगे बात करें तो मुगल अंपायर को अगर आप देखोगे 1707 के अंदर में, तो किस तरह से अपने पीक पे था, ठीक है, 1707 के अंदर में पूरा ये मुगल अंपायर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से आपका पूरा ये पीक पे मुगल अंपायर आपका देखने के लिए मिल जाता है अपने टाइम पीरियड के अंदर में। आगे हम बढ़े, इस दौरान के अंदर में कई स्वतंत्र राज्यों ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे जो छोटे छोटे राज्य थे अपने आप को स्वतंत्रता घोषित करते चले गए, स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित हुए और मुगल साम्राज्य की जो सत्ता थी उसको समाप्त यहाँ पे करते चले गए। 18वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मोटे तौर पर दो खेमों में अपने आप को विभाजित किया, जिसमें 1770 से पहले जो साम्राज्य था वो केंद्रीकृत बनाम क्षेत्र, केंद्रीकृत डिस्ट्रिक्ट और 1750 में
भारतवादी बनाम यूरोपीयवादी दृष्टिकोण के अंदर में विभाजित किया। अब देखो जो इतिहासकार थे ना 18वीं शताब्दी के अंदर में दो खेमों में बढ़ जाते हैं, और दोनों खेमों जो 1750 के टाइमलाइन को लेकर चलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो 1750 से पहले का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, जैसे 1750 है तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड है इसके अंदर में दो अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि साम्राज्य बनाम केंद्रीकृत, जो साम्राज्य केंद्रीकृत मतलब सेंट्रल जो पूरी फोर्स है किस तरह से वर्क करती है, और केंद्रीकृत व्यवस्था जिसमें मतलब साम्राज्य केंद्रीकृत मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य के ऊपर में निर्धारित व्यवस्था, ठीक है, छोटे छोटे राज्य के ऊपर में निर्धारित व्यवस्था, यह आपका साम्राज्य केंद्रीकृत आ जाती है। और यहाँ पे केंद्रित दृष्टिकोण के अंदर में क्या हो जाता है कि एक संपूर्ण व्यवस्था के ऊपर में हम बात करते हैं कि पूरा एक व्यवस्था जो मुगल के तौर पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक पहली आइडियोलॉजी के तौर पर आया जिसमें पहले छोटे छोटे राज्यों के तौर पर विभाजित व्यवस्था के बारे में कुछ बोलते हैं कि भैया वो जो व्यवस्था था ना वो ज़्यादा अच्छा था, और जो केंद्रीकृत व्यवस्था है वो सही नहीं है, कुछ इस तरीके से अपने आपको डिफाइन करते हैं, कुछ उसको सही बोलते हैं कुछ उसको सही बोलते हैं। वहीं पर जब आप 1750 के बाद के टाइम पीरियड की बात करते हो तो वहाँ पर भारतवादी जो व्यवस्था है, जो भारत की जो कल्चर है, साम्राज्य है, जो उसकी खासियत है, उसके बारे में बात किया जाता है। और वहीं पर यूरोपीयवादी दृष्टिकोण, क्योंकि गुलामी का दौर आपका स्टार्ट हो चुका था 1750 के बाद, तो 1750 के बाद जो गुलामी का दौर है उसमें वहां पे यूरोपीयवादी दृष्टिकोण को किस तरीके से देखा गया, तो दोनों को यहां पे कंपेयर किया जाता है कि कौन सी व्यवस्था, कौन सी जो दृष्टिकोण है ज्यादा अच्छा रहा। तो यहां पे साम्राज्य केंद्रीकृत अगर विचार की बात करो तो मुगल साम्राज्य के पतन को उजागर करती है कि किस तरीके से इसका पतन हुआ, अराजकता और शिकारी संरचनाओं पर जोर देती है। केंद्रीकृत अगर दृष्टिकोण अगर आप देखोगे स्थानीय एजेंसी पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है, कि किस तरह से जो अगर आप सेंट्रल दृष्टिकोण से आप देख के चलो तो स्थानीय जो एजेंसियां वो करती थी उसके ऊपर वो ध्यान करती है। जो स्वायत्ता राज्यों को विपक्षी राजनीति के उदय पर प्रकाश डालते हैं, किस तरह से विपक्षी राजनीति उदय होता है उसके ऊपर यहाँ पे बोला जाता है। वहीं पर जो अगला आपका दृष्टिकोण आता है जिसमें हम बात करते हैं भारतवादी बनाम यूरोपीयवादी का, तो यूरोपीयवादी दृष्टिकोण के अंदर में अराजक भारत का पर यूरोप का विजय पर जोर देते हैं, किस तरीके से यूरोप का भारत के ऊपर में विजय हुआ, किस तरह से भारत को उसने अपना गुलाम बनाया उसके ऊपर में बात की जाती है। जबकि भारतवादी दृष्टिकोण के अंदर में ब्रिटिश शासन को आकार देने में भारत की एजेंसियों पर जोर दिया जाता है कि किस तरह से ब्रिटिश शासन ने भारत को आकार दिया, किस तरीके से भारत को आगे बढ़ाया, ठीक है, किस तरह से वर्क करती थी ब्रिटिश शासक, उसके बारे में यहाँ पे बोला जाता है भारतवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। भारतवादी व्यावसायिक विकास के बीच गहरा निरंतरता का तर्क देते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं, 18वीं शताब्दी के पतन के बजाय परिवर्तन की अवधि के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। जो इतिहासकार, देखो यहाँ पे मतभेद है इतिहासकारों के बीच में और कुछ नहीं, जो अलग अलग इतिहासकार हैं कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार गुलामी का दौर था वो बहुत अच्छा था, गुलामी के कारण से ही हमारे पास ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे परिवर्तन का पूरा विधि के तौर पे देखा जाता है, परिवर्तन का शुरुआत हो गया, यहाँ पे व्यवसायी विकास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, व्यवसायी विकास का निरंतरता का तर्क यहाँ पे दी जाती है। तो अलग अलग इतिहासकारों का यहाँ पे जो आइडियोलॉजी था ना वो यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। जबकि आप देखोगे ना वहीं पे यूरोपीयवादी दृष्टिकोण का पूरा अपना अटल है कि भैया भारत के अंदर में अराजकता था, बेकार व्यवस्था थी, उसके ऊपर हमने विजय पाई है जिससे हम भारत को सुधार सकते हैं। पर जो भारत के लोग हैं उनकी दृष्टिकोण ये है कि भाई ये व्यवसायिक तौर पर मतलब गहरी निरंतरता विकास के लिए सही है, उचित है, ठीक है, भारत की जो व्यवस्था है उसको आकार देंगे, ब्रिटिश शासक क्या करेंगे भारत को आकार देंगे, सही तरीके से उसको बढ़ने में मदद करेंगे, ये भारत के लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं। सारे लोग नहीं, कुछ दृष्टिकोण जो इतिहासकार है ना उनकी दृष्टिकोण है ये, ठीक है, दृष्टिकोण मतलब एक बीमारी होती है रतौंधी, उस वाली उस तरह की कुछ दृष्टिकोण है। अब यहाँ पे जो चैप्टर जो स्टार्टिंग में था ना ये आ जाता है। अब देखो थोड़ा सा ना राइट विंग अगर आपकी विचारधारा हो या आप राइट विंग नहीं भी विचारधारा हो ना आपकी, तो अगर आपकी विचारधारा ऐसी हो कि जहाँ पे आप कंट्री को सबसे पहले रखते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ से पहले कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पे अपनी कंट्री को एक सुपीरियर मान के चलते हो, ठीक है, अपनी भावना रहती है आपके लिए, तब अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ठेस पहुँचता है और उसके लिए आपको एक फीलिंग भी आती है कि अरे ऐसा कैसा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे इस पूरे स्लाइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। मुगल साम्राज्य का पतन नैतिक पतन या कमजोरी शासकों की धारणाओं को खारिज करते हुए विभिन्न व्याख्याओं की विषय है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ऊपर लाइन पढ़ी ना, तो ये अलग अलग इतिहासकार हैं जो ये बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन है ना नैतिक पतन है या कमजोर शासक हैं, किस तरीके से क्या चीज़ है उसको खारिज करते हैं, जो रियल फैक्ट है ना उसको खारिज करके यहाँ पे सब अपने अपना लॉजिक देंगे और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे लॉजिक के बेसिस पे कि भैया ये वाला चीज़ ना ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इरफान हबीब करके इतिहासकार हैं, जीवित हैं, ठीक है, आप बहुत सारी बुक्स हैं, आपके लेफ्ट विंग के बहुत बड़े समर्थक हैं, ठीक है, अगर आप कभी चाहें तो उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। इरफान भाई हबीब,
राजकोषीय संकट और गोटीय संघर्ष पर जोर देते हैं। मुगल सत्ता का अंत होने का सबसे बड़ा रीजन क्या बताते हैं? कि भैया नैतिक पतन नहीं है, कमजोर शासक नहीं था, शासक तो सारे मजबूत थे, नैतिक पतन तो बिल्कुल नहीं था, साम्राज्य का अंत तो बिल्कुल नहीं हुआ, ये सारी तो मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। रियल फैक्ट ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि राजकोषीय संकट आ गया, गुटिये संघर्ष, जो छोटे छोटे गुट में बढ़ जाते हैं ना, गुटिये संघर्ष जिसके कारण से मुगल सत्ता का अंत हुआ, ये इस तरह का लॉजिक देकर आते हैं, जो नाई मतलब वाहियात लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि जितना अभी मेरी एज है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, या जितना मैं सुनता हूँ चीज़ों को, यह एक सोचने की शक्ति होती है, जिस तरह से वो स्टार्टिंग मुगल सत्ता का किस तरह से हुआ और भारतीय इतिहास की बेसिक चीज़ों को किस तरह से संस्कृति को पतन किया गया, ठीक है। चाहे आप मंदिर की बात करो, हमारे जो गुरुकुल लिए बाकी चीज़ों की बात करो, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था की बात करो, किस तरह से धर्म परिवर्तन का दौर पूरा चलता है, ठीक है, उसको वहाँ पे नहीं दिखाते हैं। लोगों के अंदर में क्या रही चीज़ें रहीं वो नहीं दिखाया जाता है। छोटे छोटे जो क्षेत्रीय व्यवस्था थी उसको किस तरह से पतन किया गया, वो सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती है। यहाँ पे मुगल को सुपीरियर बताने के लिए राजकोषीय संकट और घोटीय संघर्ष पर जोर दिया जाता है। मैं ये कब मतलब ये मैं मुझे फील हो रहा है कि आज का जो मेरा वीडियो अपलोड होगा तो बहुत सारे लोग मुझे ना मतलब बहुत कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि जो मेरी विचारधारा है वो शायद उनसे मैच नहीं खाएगी। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अलग अलग विचारधारा हो सकती हैं। मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। अगले यहाँ पे इतिहासकार आते हैं सतीश चंद्र और अथर अली करके, जो ये मानते हैं कि मुगल सत्ता के अंत होने में उनके शासक कमजोर या नैतिक पतन या उनकी कोई नीतियाँ नहीं थी, जबकि एक जागीर व्यवस्था जैसी जो खामियाँ थी ना उसके ऊपर वो बात करते हैं। जो जागीर व्यवस्था लाई गई थी मुगलों के द्वारा, उसके कारण से ये मान के चलते हैं कि मुगल सत्ता का अंत हुआ। अगर जागीर व्यवस्था नहीं आती, जागीर व्यवस्था के अंदर में खामियां नहीं होती, तो शायद मुगल सत्ता का अंत नहीं होता, ये मानकर चलते हैं। जॉन रिचर्ड का मानना है साम्राज्य एकीकरण की विफलता। अब जो मुगल सत्ता थी वो साम्राज्य को एकीकरण करना चाहती थी, एकीकरण करने में वो विफल रही, जिसके कारण से वो अंत हो गया। उनका जो शासक था वो कमजोर नहीं था, उनकी जो नीतियां थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब क्या बताया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मानी जाती है। मार्शल हॉक्सन करके यहाँ पे अगले इतिहासकार आते हैं, इनका सुझाव था तकनीकी अंतराल साम्राज्य के पतन के ऊपर योगदान देते हैं, कि तकनीक के अंदर में ना एक लंबा गैप आ गया, आपने परिवर्तन नहीं एक्सेप्ट किया, परिवर्तन की ओर नहीं बढ़े, उसके कारण से आपके साम्राज्य का पतन हो रहा है। सोच रहे हो, इक्तिदार आलम खान यहाँ पे अगले इतिहासकार हैं, जिन्होंने माना राज्य और प्रजा दोनों को सशक्त बनाने में बारूद की दोहरी नीति को दर्शाते हैं। किस तरह से दोहरी नीति नहीं अपनाई गई, क्या चीज़ें थी, ठीक है, बारूद की नीति मतलब जो दबाव डालकर या कैसे करके चीज़ें चलाई जाती हैं वो नहीं की गई, ठीक है, उसके कारण से यहाँ पे मुगल सत्ता का पतन होता है। अगले इतिहासकार आते हैं स्टुअर्ट गॉर्डन, इन्होंने इनका माना था विविध भर्ती के माध्यम से मराठाओं सेनाओं की सफलताओं को दर्शाते हैं, कि अब देखो मुगल सत्ता हार नहीं गई भैया, मुगल सत्ता नहीं आ रही, मुगल सत्ता तो जीती है, जीता दूसरा वाला पार्टी है जिसके कारण से मुगल सत्ता थोड़ा सा पीछे हो गई है। ये इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि मराठाओं की जो नीति थी ना भैया, कि अलग अलग सैन्य सफलताओं का, अलग अलग भर्ती का, अलग अलग गुटों में बटा हुआ था, घोड़े वाले अलग हैं, तीरंदाज वाले अलग हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सैन्य व्यवस्था जो मराठाओं का था वो बेटर था, ठीक है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया यहाँ पर कि जो औरंगजेब की नीति थी वो बेकार थी, औरंगजेब की जो पूरी व्यवस्था थी वो बेकार था, औरंगजेब के द्वारा जो टैक्स लादा गया गैर हिंदुओं पे, ठीक है, गैर मुस्लिमों पे, सॉरी, वो बेकार थी, ठीक है। किस तरह से उसकी नीति जो साम्राज्य विस्तार की रही, ठीक है, मंदिरों का विघटन का नीति किस प्रकार से रही, मंदिरों के पतन का नीति किस प्रकार से रही, वो बेकार थी, वो नहीं बताया गया, ठीक है। किस तरह से उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण, सही उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण से पतन हुआ, ये नहीं बताया गया, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें जो आप पढ़कर भी ना, नॉर्मल पढ़कर भी आपको अंदाजा लग जाता है कि ये चीज़ें, उनके ऊपर में कभी भी इन इतिहासकारों के द्वारा बात नहीं किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी व्यूवर्स से, आप MA हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, कोई किसी के गुलाम नहीं, कि जो जिसने बोला या मैंने बोला आप उसकी विचारधारा को फॉलोअप करना शुरू कर दो। आपके पास बुक है, गूगल है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी आज के समय में, आप खुद अपना माइंड यूज़ करो, खुद एक स्वतंत्र आइडियोलॉजी बनाओ, ठीक है, फ्री आइडियोलॉजी, जिसमें आप खुद देखो कि क्या चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है हाँ ये वाली आइडियोलॉजी ठीक है तो उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। डिपेंड नहीं करता कि यार सर तो राइट विंग के समर्थक हैं, वहाँ पे अपनी कंट्री को लेकर बोल रहे हैं, तो मतलब सर सही है या गलत है, ऐसा नहीं भाई। आप अपना खुद की एक आइडियोलॉजी लेकर चलो, अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी डेवलप करो, वो मज़ेदार रहती है, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
और एंड ऑफ द वीडियो मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं। इसका रीज़न ये है कि वी आर फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम और हम कैपेबल नहीं है कि हम डेली वीडियोस डाल पाएँ। तो अगर आप सपोर्ट करोगे ठीक है, तो हम आपके लिए बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे। ठीक है, हमारी जो पूरी टीम है दाइना, जो पूरी तरह से टूट चुकी है इस समय पर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आभारी रहेगी। आप इस नंबर पर या फिर इस QR कोड पर स्कैन करके पे कर सकते हो, जो भी आपके पास अमाउंट है, वट एवर यू कैन हेल्प यू कैन पे इट। ठीक है, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे और ट्राई करेंगे दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लेसन्स और सिलेबस को आपके कंप्लीट करवा सके, जिससे आपके अच्छे नंबर बन सकता है। और अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को, जिससे आप अपने डाउट को डायरेक्टली मुझसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो एंड करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर में अगर आपको किसी भी बात से मेरी आहत हुई आपको, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। ठीक है, यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे, जहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर में किस तरह से इम्पैक्ट रहा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मुगलों का इम्पैक्ट, बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट 18वीं शताब्दी के अंदर में, उसको हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।